हाँ आपतित किरण परावर्तित किरण तथा तथा अभिलंब तथा अभिलंब तीनों तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं होते हैं। हाँ आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों दोनों नहीं है तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब मैं इसको पहले दूसरा लिखो दूसरा लिखो आपतन कोण का मान यस आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान कोण के मान के बराबर होता है। यस आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अब मैं दोनों को समझा देता हूं। देखिए आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब ये हमेशा तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं एक ही तल में। जैसे कि मैं आपको तल बताता हूं जैसे ये तीन उंगलियां हैं तीन कितनी है तीन। अभी तीनों एक ही तल में है तीनों एक ही तल में। अब देखना ये तीन उंगलियां हैं कितनी है तीन। अब ये तीनों अलग अलग तल में है इसका तल है यूं इसका है यूं और इसका है यूं। तल तीनों अलग अलग है जैसे कि मुझे तीन पैन दो देखो ये दो पैन है ये दोनों एक ही तल में है अभी एक ही तल है इनका तल एक ही प्लेन अभी भी इनका एक ही तल है अभी भी एक ही तल है अगर यूं देखा जाए तो अभी भी इनका एक ही तल है अभी भी एक ही तल है अभी आ जाए। अब ये तीन पैन है इन तीनों का एक ही तल है एक ही तल है अभी भी एक ही है अभी भी एक ही है अभी भी एक ही है। अब देखना अब तीनों का तल अलग है इसका प्लेन है यूं इसका प्लेन है यूं और इसका प्लेन है यूं तीनों का प्लेन अलग अलग हो गया तल। जैसे कि आपने पढ़ा होगा एक विमीय द्विविमीय और त्रिविमीय ऐसे गणित में आप पढ़ते हो मैथ्स में एक विमीय द्विविमीय और त्रिविमीय। कोई भी ठोस चीज होती है जैसे कि ये डस्टर है ये ठोस चीज है ये त्रिविमीय वस्तु है। कैसी है त्रिविमीय वस्तु है जिसमें लंबाई भी होती है चौड़ाई भी होती है ऊंचाई भी वो त्रिविमीय होती है। ये हमारा चौक का डब्बा है एक प्रकार का घनाभ है ये इसमें लंबाई भी है चौड़ाई भी है ऊंचाई भी है तो ये त्रिविमीय वस्तु है। लेकिन अगर किसी कॉपी के या किताब के पन्ने की बात करें तो इसमें दो ही तल होंगे केवल कॉपी या किताब पे जो चित्र होता है उसमें दो ही तल होते हैं लंबाई गहराई नहीं होती है उसमें गहराई नहीं होती है ऊंचाई नहीं होती है तो दो विमी होती है। तो कह रहे हो ना आप तल समझ गए कि ज्यादा तीन तल हो सकते हैं कितने तल हो सकते हैं जैसे कोई गेंद है वो त्रिविमीय संरचना है। तो अभी जो बोर्ड पर हमने जो डायग्राम बनाते वैसे भी वो द्विविमीय होते हैं लेकिन इसका तल एक ही है ये एक ही तल है ये पूरा बोर्ड का एक ही तल है एक ही प्लेन है एक समतल है ये। तो हमेशा परावर्तन में आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इसका मतलब और मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर ये आपतित किरण है अब इधर आ जाए एक लड़का इधर आ जाओ हरिओम ये तू आ जाओ ये मान ले इसको पकड़ ले यहाँ से इधर आ जाओ
अब ये अभिलंब है, इसको भी पकड़ ले दूसरे से, और ये परावर्तित किरण है, बस ये तीनों का तल एक ही है, तीनों का तल एक ही है। और अगर अब ये इसको यूं पकड़ ले, अब इसको यूं पकड़ ले, अब ये तीनों का तल एक नहीं है, नहीं है, वापस ऐसे पकड़ ले, अब ये और अगर हमें इसको यूं पकड़ लो यूं, तो अब भी तीनों का तल एक ही नहीं है, नहीं है। और अब तीनों का तल एक ही है, तो आप समझ गए, वेरी गुड, शाबाश, बैठ जाओ। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ये परावर्तन का पहला नियम है। आगे समझ में। अब दूसरा है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये आपतन कोण 30 डिग्री का है, सपोज कल्पना करें कि ये आपतन कोण 30 डिग्री का है, तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री का है। ये नियम है, ये नियम है। अगर आपतन कोण 45 डिग्री का है, तो ये 45 कोण भी 45 डिग्री का है। अगर आपतन कोण 60 डिग्री 60 डिग्री का है, तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री का होगा। ये 42 का होगा तो ये 42 का होगा, ये 35 का होगा तो 35 का होगा, ये 37 का होगा तो ये भी 37 का होगा, ये 38 का होगा तो ये भी 38 का होगा, ये 15 का होगा तो ये भी 15 का होगा, ये 16 का होगा तो ये भी 16 का होगा। कह रहे हैं मतलब कुछ भी कर लो, चाहे जंगल में आग लग जाए, चाहे गधे के पांच टांगे हो जाए, लेकिन आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा, अलग नहीं होगा। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, ये परावर्तन का दूसरा नियम कहलाता है। हो गया, बस समझ में आई बात, नहीं आई?